हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना आरटीसी बस का बंपर ऑफर, 1 जनवरी को मुफ्त सफर की सहूलत। तेलंगाना आरटीसी बस ने नए साल के दिन एक बंपर ऑफर का ऐलान किया है, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र बच्चों को 1 जनवरी को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया है। टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जना ने जुमेरात को इस सिलसिले में हिदायत जारी की है। ये पेशकश सिर्फ 12 साल से कम उम्र के बच्चों के सफर पर होगी, उनके साथ वालिदैन भी रहना जरूरी है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ हिरासत में कहीं से भी कहीं तक मुफ्त सफर कर सकते हैं। एमडी वीसी सज्जना ने हिदायत दी है कि आरटीसी अहदेदारों को वसी तशहीर करनी चाहिए, ताकि तेलंगाना के आवाम इस मौके से फायदा उठा सकें। हैदराबाद में मूसा नदी के पास झोपड़ियों में लगी भयानक आग। हैदराबाद के चादरघाट इलाके में मूसा नदी के पास फुटपाथ पर वाकई झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। फौरी मिली इत्तला के मुताबिक एक झोपड़ी में लगी आग ने दीगर झोपड़ियों को जद में ले लिया। मालूम हुआ है कि एक झोपड़ी में आग लग गई थी, जो देखते ही देखते इससे मुतसिल झोपड़ियों तक फैल गई। आग लगते ही यहाँ रहने वाले जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस हादसे में किसी भी तरह की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फायर इंजनों को तड़प करके आग पर काबू पाया जा रहा है। बताया गया है कि झोपड़ियां फुटपाथ पर थी, जहाँ रहने वाले लोग कचरा चुनकर गुजर बसर किया करते थे। झारखंड की तरफ पेट्रोल की कीमत में कमी की जाए, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने झारखंड की तरफ पर गरीबों के लिए पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। ट्विटर पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि गरीब रियासत झारखंड ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 25 रुपए की कमी की है। तेलंगाना मुल्क में दौलतमंद रियासत होने का दावा करती है। चीफ मिनिस्टर केसीआर हुकूमत दौलतमंद होने के दावे के बावजूद एक पैसा भी कम करने तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस बात की कोई परवाह नहीं कि आवाम महंगाई के बोझ का शिकार हैं। उन्होंने झारखंड की तखलीद करते हुए तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का मुतालबा किया। पुलिस को चकमा देने वालों की तस्वीर कशी। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक बेकायदगियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब से जितने सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, लोग ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने के लिए उतने ही ज्यादा चालाकियां दिखाते हुए हादसा का शिकार हो रहे हैं। कानून तोड़ते हुए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने या जंग जीतने जाने का तस्वुर कर रहे हैं। ऐसे करते हुए अवाम बिलखसूस नौजवान अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवायद पर सख्ती से अमलावरी की जा रही है। हेलमेट ना लगाने वालों और ट्रिपल राइडिंग करने वालों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, फिर भी नौजवान इससे बाज नहीं आ रहे हैं। शहर हैदराबाद के बरकतपुरा में 3 जवान एक्टिवा गाड़ी पर सफर कर रहे थे। गाड़ी के राइडर ने हेलमेट भी नहीं लगाया था। जब ट्रैफिक पुलिस ने उनकी तस्वीर कशी की, तो एक नौजवान ने गाड़ी के नंबर प्लेट को हाथ से छुपाने की कोशिश की, जिसकी ट्रैफिक पुलिस ने तस्वीर ले ली। तेलंगाना में जराइम की शराह में मामूली इजाफा, डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा। रियासत तेलंगाना में मजमू तौर पर जराइम की शराह में इजाफा हुआ है। डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जराइम की शराह में गुजशत साल के मुकाबले 4.6% इजाफा हुआ है। रियासत में नक्सलाइट के दोबारा सरगर्म होने की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया और रियासत में फिरकावाराना हम आहंगी की बरकरारी को आवाम के ताबून से यकीनी बनाया गया। भैंसा में मामूली वाक़े के सिवा कहीं भी कोई वाक़ात पेश नहीं आए। ग्रेटर हैदराबाद में दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 के पानी के बिल्स माफ करने का फैसला। रियासती हुकूमत ने दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक के पानी के बिल्स माफ करने का फैसला करते हुए ग्रेटर हैदराबाद में आबी सारिफिन को नए साल का तोहफा दिया है। वाटर बोर्ड ने ऐसे सारिफिन को 13 महीने के पानी के बिल्स की इजराई की तैयारी की है, जिन्होंने मुफ्त पानी की स्कीम के सिलसिले में आधार कार्ड को मरबूत नहीं किया है। तेलंगाना हुकूमत ने सिलसिले में अहकाम जारी किए। 9,60,000 सारिफिन में से 5,50,000 सारिफिन को इस फैसले से ग्रेटर हैदराबाद में फायदा होगा। वजीर तारक रामा राव ने, जिन्होंने मुफ्त पानी की सरबराही की स्कीम का जायजा लिया, इस बात को महसूस किया कि हनुस कई सारिफिन ने आधार कार्ड को कंज्यूमर अकाउंट नंबर से मरबूत नहीं किया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजमोनस ने कहा कि जनवरी 2022 से गैर सलम इलाकों, मल्टी स्टोरी मकानात और डोमेस्टिक बल्क कॉलोनियों के लिए पानी के बिल्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। दूसरे जिले में तबादला कर देने से परेशान हेडमास्टर की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना में मुलाजिमों के तबादलों से मुलाजिमों और टीचर्स में तश्वीश। तेलंगाना में जारी मुलाजिमों के तबादले से मुलाजिमों और टीचर्स काफी परेशान हैं। मुलाजिमों तंजीमों की शिकायत है कि मुलाजिमों के तबादलों में शदीद नाइंसाफी हो रही है। मुलाजिमों को इनके आबाई मुकाम पर तबादला करने के बजाय दूर दराज इलाकों में तबादला किया जा रहा है। इन तबादलों ने एक हेडमास्टर की जान ले ली। बताया जाता है कि महबूबाबाद जिले के गाँव में हेडमास्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जीतोराम नायक का मुलक जिले के एक गांव में तबादला कर दिया गया। जीतोराम नायक फालिज से मुतासिर हैं और उनकी बीवी आंगनवाड़ी टीचर है। उन्होंने जिले कलेक्टर को याददाश्त पेश करते हुए उनका तबादला महबूबाबाद जिले में ही करने की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन इन्हें मुलक जिले में ही तबादला कर दिया गया, जिससे वो काफ़ी परेशान थे और मुलक में नई पोस्टिंग हासिल करने के बाद जुमेरात के रोज़ अपने आबाई मुकाम वापस हो गए। इसी परेशानी में जीतोराम नायक को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। बकरी खाती है मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, मछली और अंडे। बकरियां घास, पत्ते, दाना वगैरह खाती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि एक बकरी मटन, चिकन बिरयानी, मछली और अंडे ही खाती हैं। इसके सिवा दूसरी कोई चीज़ नहीं खाती। आमतौर पर बकरियों की जो गिज़ा है वो ये बकरी नहीं खाती। इस बकरी का नाम भूरी है। यह बकरी मध्य प्रदेश के लोहरी गाँव के रहने वाले किसान रफीक की है। रफीक का कहना है कि यह बकरी जब छोटी थी तब से ही इसे बिरयानी काफ़ी पसंद है, वो मछली और अंडे भी शौक से खाती है। यह बकरी गुज़िश्ता 3 साल से नॉनवेज खा रही है। इसे खाने में बिरयानी ही चाहिए, वो घास और पत्तों की तरफ देखती भी नहीं। इस बकरी को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं।
मुंबई में खालिस्तानी दहशतगर्दाना हमले की इत्तला मिलते ही हाई अलर्ट। इंटेलिजेंस एजेंसियों को इत्तला मिली है कि खालिस्तानी दहशतगर्द मुंबई में नए साल के मौके पर एक बड़ा दहशतगर्दाना हमला कर सकते हैं। मुंबई के तमाम पुलिस स्टेशनों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में सिक्योरिटी एजेंसियों ने दहशतगर्दाना हमले के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्कूली बच्चों को दिलाया गया हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का हलफ। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्कूली बच्चों को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का हलफ दिलाए जाने से मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो एक पार्क की है जिसमें बच्चों को कहा जा रहा है कि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ो मरो और जरूरत पड़ने पर मार भी दो। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद इस पर तनाजा खड़ा हो गया है, लेकिन यूपी पुलिस का रवैया काफी सुस्त है। नई पाबंदियों के तहत 8 कोच वाली मेट्रो में अब 200 मुसाफिर ही बैठ सकते हैं, मेट्रो ने कहा। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस वबा के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में इजाफे के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो में नए कवायद के तहत 8 कोच वाली मेट्रो में अब सिर्फ 200 मुसाफिर ही बैठ सकते हैं। मेट्रो ने आज ट्विटर पर कहा कि 8 कोचों वाली मेट्रो ट्रेन में आमतौर पर तकरीबन 2400 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। इसमें हर कोच में बैठे 50 मुसाफिर और 250 खड़े मुसाफिर शामिल हैं। मौजूदा पाबंदियों जिसमें 50% मुसाफिरों के बैठने, मुसाफिरों का खड़ा होना मना है, अब हर कोच में सिर्फ 25 मुसाफिर ही बैठ सकते हैं। मेट्रो ट्वीट में कहा कि यह ट्रेन मामूल की सलाहियत से 10% से भी कम है, इसलिए बहुत जरूरी होने पर ही सफर करें। मुल्क में ओमिक्रॉन वायरस के केसेस 1000 से पार। मुल्क में हलाकत खेज कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के साथ ही कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासर होने वालों की तादाद 1000 से पार कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमे को यहां बताया कि गुजश्ता 24 घंटों में मुल्क की 23 रियासतों में 1270 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासर पाए गए हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में 450, दिल्ली में 320 और केरला में 109 केसेस हैं। ओमिक्रॉन के वायरस से 374 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन की दहशत, मुतासरा मरीज की हुई मौत, एक दिन पहले ही आई थी कोरोना की मनफी रिपोर्ट। राजस्थान में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन अब खौफनाक शक्ल में नजर आता दिखाई दे रहा है। कोरोना की एक नई किस्म के वेरिएंट ओमिक्रॉन से यहां 75 साल बूढ़े की मौत हो गई है। ये मोहम्मद शख्स उदयपुर का रहने वाला था। मौसूल इत्तला के मुताबिक बुजुर्ग शख्स का उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल में इलाज चल रहा था। एक रोज पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट मनफी आई थी। 15 दिसंबर को उनकी तबियत खराब होने पर इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन जब उनकी तबियत खराब हुई तो उनका कोरोना टेस्ट कराया गया जिसमें वो कोविड-19 से मुस्बित पाए गए थे। इसके बाद नमूनों को जीनोम की तरतीब के लिए पुणे भेजा गया। इसमें उनकी तस्दीक ओमिक्रॉन से पाई गई है। तहम बाद में उनकी कोरोना रिपोर्ट भी मनफी आ गई। ऐसे में बुजुर्ग की मौत ने महकमे सेहत के अफसरान को टेंशन में डाल दिया है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, मनसुख मांडविया से मामले को जल्द हल करने की अपील। पीजी नीट काउंसलिंग में ताखिर पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से एहतजाज कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने जुमे को अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और मरकजी वजीर सेहत और खानदानी फलाह और बहबूद मनसुख मांडविया से इस मामले को जल्द जल्द हल करने की अपील की। महाराष्ट्र में सरकारी दफातर में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां। मौसमियाती तब्दीली का खतरा पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है, इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों को तेजी से नाफिज करना शुरू कर दिया। रियासती हुकूमत ने अब सरकारी काम के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही खरीदने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। नए साल से सरकारी काम के लिए जो गाड़ियां खरीदी जाएंगी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। पुलिस गधों को क्यों तलाश कर रही है। राजस्थान के खौइया गांव में 2 हफ्ते के दौरान 70 से ज्यादा गधों की चोरी होने के बाद चरवाहों ने इनको तलाश करने और वापस लाने के लिए पुलिस को 15 दिनों की मोहलत दी है। इस मकसद के लिए पुलिस की खसूसी टीम तश्कील दी गई है। भारत के मगरबी सूबे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के खौइया गांव में गुज़िश्ता तकरीबन 15 दिनों के अंदर चरवाहों के 76 गधे लापता हो चुके हैं। चरवाहों का इल्जाम है कि इनके ये गधे चोरी कर लिए गए हैं। चरवाहे इन वारदातों की वजह से काफी परेशान और नाराज हैं। उन्होंने मुकामी इंतजामिया को मोहलत दी है कि 15 दिनों के अंदर उनके गधे का पता लगाया जाए, वरना वो अपने एहतजाजी मुजाहरे तेज कर देंगे। चरवाहों की के बाद जिले की पुलिस ने 4 पुलिस अहलकारों पर मुश्तमिल एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देती है जो अतराफ के गांव में जाकर गधों को तलाश कर रही है। जब तक मुल्क का मीडिया आजाद और निडर नहीं होगा, जमहूरियत तरक्की नहीं कर सकती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने सहाफियों को मशवरा देते हुए कहा कि अगर कोई सहाफी खुद को किसी नजरिए या हुकूमत यानी स्टेट से जोड़ता है तो ये इसकी बर्बादी का नुस्खा है। सीजीआई रमन का यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब मुल्क के तमाम नामवर सहाफी टीवी चैनल से लेकर अखबार तक हुकूमत और हुक्मरान पार्टी की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इन्हें गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। अवामी मसाइल टीवी चैनल्स के मुबाहिसों और अखबार के सफहात से गायब हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह बात डिजिटल मीडियम के जरिए मुंबई प्रेस क्लब के एक अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कही। दिल्ली में तीसरी लहर की दस्तक तेज, ओमिक्रॉन मुतासरीन की तादाद बढ़कर 320 हो गई। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। इसकी शुरुआत मेट्रोपॉलिटन शहरों में गैर एलानिया तौर पर हो चुकी है। खासतौर पर दिल्ली मुंबई में कोविड 19 के केसेस में हर रोज रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है जो कि खौफजदा करने वाला है। ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन की शरह बाई से तशवीश बन गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोविड 19 और ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। जुमे के रोज दिल्ली में ओमिक्रॉन के 57 नए मामले पाए गए हैं, जिसकी वजह से अब कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की कुल तादाद 320 हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में 57 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। ओमिक्रॉन ने मुल्क की 23 रियासतों में अब तक दस्तक दे दी है। इन 23 रियासतों में इन्फेक्शन के 1270 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 374 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है।
हिंदुस्तान की सलामती के लिए मजबूत फैसले दरकार, खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के सबक सदर राहुल गांधी ने चीन की जानब से अरुणाचल प्रदेश के 15 मुकाम के नाम चीनी जबान में रखने की खबर पर तबसरा करते हुए मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अभी कुछ दिन पहले हम 1971 में हिंदुस्तान के पूर्वाखाट जीत को याद कर रहे थे। मुल्क की सलामती और फतेह के लिए दानिशमंदी और मजबूत फैसलों की जरूरत होती है, खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 मुकामात के बदल दिए नाम, कांग्रेस मोदी हुकूमत पर हमला आवर। चीनी हुकूमत के जरिए अरुणाचल प्रदेश के 15 मुकामात का नाम बदलने के बाद कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर बेहिसी और हिंदुस्तानी इलाके की जमीन कब्जा होने पर चीन का नाम लेने से परेज करने का तंज कसा है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश में 15 मुकामात का नाम बदल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने हाल ही में दिखाया था कि चीन ने हमारे इलाके में 2 गांव भी बनाए थे। पीएम मोदी और उनके बीजिंग जनता पार्टी लीडर चीन का नाम लेने में कतरा रहे हैं, वो बस चीनियों के जरिए इस जमीन को कब्जे से इनकार करते हैं। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन से 2 मौतें, महाराष्ट्र में खौफनाक ओमिक्रॉन के दरमियान मुल्क में पहली मौत पुणे से मुत्तसिल पंपरी चंचवाड़ा में हुई है। मरने वाले शख्स की उम्र 52 साल थी और वो 2 हफ्ते पहले नाइजीरिया से वापस आया था। इसका कोविड टेस्ट भी किया गया था लेकिन रिपोर्ट मनफी थी। 28 दिसंबर को इन्हें दिल का दौरा पड़ा और इन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यशवंत राव चौहान अस्पताल में दाखिल कराया गया। ख्याल रहे कि आज ही ओमिक्रॉन से दूसरी मौत नई दिल्ली में हुई है। एक और जुमला चुकनाचूर, टीकाकारी के हवाले से मोदी हुकूमत पर राहुल गांधी का हमला। कांग्रेस के सबक सदर राहुल गांधी ने जुमे के रोज कोरोना टीकाकारी के हवाले से मोदी हुकूमत को एक मरतबा फिर हदफ तनखीद बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने वादा किया था कि साल 2021 में सबको कोरोना की दोनों खुराकें दी जाएंगी लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। सऊदी अरब में मास्क इस्तेमाल न करने का जुर्माना 1,00,000 रियाल तक। सऊदी अरब में वजारत दाखिला ने खबरदार किया है कि कोरोना के SOPs की पाबंदी ना करते हुए मास्क ना पहनने और नाक और मुंह को ना ढपने की सूरत में 1,00,000 रियाल तक जुर्माना होगा। अखबार 24 ने वजारत दाखिला के ट्विटर पर जारी इलामिया के हवाले से मजीद कहा कि मास्क ना पहनने पर बुनियादी जुर्माना 1,000 रियाल है, तहम इस खिलाफ वर्जी में बार बार मुलविस होने वाले अफराद पर जुर्माने की रकम 1,00,000 रियाल तक बढ़ाई जा सकती है। कोरोना वायरस से दुनिया है बेहाल, एक दिन में कोरोना केसेस ने तोड़ा रिकॉर्ड। दुनिया भर में हलाकत खेज कोरोना वायरस के एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। खबरिसा एजेंसी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के एक दिन में 10,00,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबरिसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 7 दिनों में दुनिया भर में 73,00,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में औसतन हर रोज 10,45,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका में एक बार फिर जानलेवा कोरोना वायरस के 4,00,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका और यूरोप में कोरोना बेकाबू हो गया है। अमेरिका में आज भी 4,00,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं जबकि बरतानिया में 24 घंटों में मजीद 1,79,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में आज 4,00,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए जबकि फ्रांस में मुसलसल दूसरे रोज भी 2,00,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा इटली में 1,26,000 और स्पेन में 1,61,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साल के आखिरी दिन मिली अच्छी खबर, जनूबी अफ्रीका में कमजोर पड़ा ओमिक्रॉन, हुकूमत ने हटाया नाइट कर्फ्यू। जनूबी अफ्रीका ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए 2 साल पहले नाफिज किया गया रात का कर्फ्यू हटा दिया है। अहदेदारों ने बताया कि तमाम इशारे इस बात की निशानदाही करते हैं कि मुल्क कौमी सतह पर COVID-19 वबाई मर्ज की 4थी लहर के कहर को पार कर गया है। सदर के दफ्तर ने ऐलान जुमेरात को नेशनल कोरोना वायरस कमांड काउंसिलिंग यानी NCCC और सदारती राबता कौंसिल PCC के इजलासों के इख्तिताम के बाद किया। दफ्तर ने मुल्क में इस वक्त इन्फेक्शन की 4थी लहर के इंतजाम के बारे में दरियाफ्त किया है। मुल्क में 4थी लहर में ज्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हैं जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की एक नई शक्ल है। ऑस्ट्रेलिया में कहर बनकर टूटा ओमिक्रॉन, एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 32,000 से ज्यादा मामले। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की एक नई शक्ल ओमिक्रॉन ने एक बार फिर इन्फेक्शन में तेजी से इजाफा किया है। चंद रोज पहले मुल्क में 24 घंटों में आने वाले केसेस की तादाद पहली बार 10,000 से पार कर गई थी लेकिन जुमे को यह तादाद वो रिकॉर्ड तोड़कर 32,000 से पार कर गई है। माहिरों का कहना है कि इन्फेक्शन के केसेस में इजाफे की वजह निस्बतन ज्यादा मुतादी ओमिक्रॉन की शक्ल और सिडनी और दीगर इलाकों में पाबंदियों में नरमी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।